हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने के प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हमारे शैडो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है और कैसे ये हमें हमारे पेन और ट्रॉमा में कोप करने में हमारी हेल्प करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, शैडो के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन, एक नेगेटिव लेबल लगना ना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये शैडो है, हमारे अंदर है, ये बाहर आती है, ये नुकसान करती है, तो इट्स नेगेटिव। और ऐसा भी तो है ना कि जो हमारी अनकॉन्शियस स्पेस है, ये जो हमारी शैडो स्पेस है, इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हैं जिसको कि हमने डिनाई किया है, हमने या हमारी सोसाइटी ने। हमारी सोसाइटी ने कहा ये मत करो, ये बुरा है, शैडो में चला गया। हमारी सोसाइटी कह रही है कि तुम ये अच्छे से नहीं करती हो, ये तुम्हारे अंदर एक बुराई है, वो हमारी शैडो में चलेगी। जब हमारे साथ कोई ट्रॉमा हुआ तो जो इमोशंस थे, जो हमें पेन दे रहे थे उस टाइम, हमें हर्ट दे रहे थे, उन सभी इमोशंस को भी कट ऑफ करके शैडो में डाल दिया गया। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारी साइकी अच्छा नहीं मानती है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीजन हो। वो सारा स्टफ जो गंदा गंदा है, जो बुरा बुरा है, वो सारा हमारा शैडो में है। तो एक्चुअली इसलिए भी ना हमारे शैडो को बुरा माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। और जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है जिससे हम ट्रिगर हो गए, और इस ट्रिगर होने से एक्चुअली ये शैडो ट्रिगर हो जाती है और ये बाहर आती है। जब ये बाहर आती है तो हम नहीं रहते जो हम कॉन्शियसली होते हैं, हम अनकॉन्शियसली बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि हमारे लिए भी नुकसानदायक है और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक है। दूसरों को भी प्रॉब्लम होती है, इससे हमारी रिलेशनशिप खराब होती है, क्योंकि हम रिएक्टिव हो जाते हैं। जब हम रिएक्टिव हो जाते हैं, वी आर नॉट यूजिंग आवर माइंड, कॉन्शियस माइंड हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब इसमें माइंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो डायरेक्ट रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में कई बार चीजें जो होती है वो सही नहीं होती है। तो इसलिए भी हमारी शैडो जब ट्रिगर होती है तो हमें कुछ नेगेटिव ही देखने को मिलता है, इसलिए हम सोचते हैं शैडो तो नेगेटिव होती है। लेकिन गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट बताऊंगी, कुछ ऑपोजिट बताऊंगी। वो है कि कैसे हमारी लाइफ में ना ये शैडो एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है। एक्चुअली जब भी हमारे साथ ये ट्रॉमा होता है, जब भी हम बहुत सारा पेन फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं, ये शैडो ही होती है जो हमें अपने पेन से डिस्कनेक्ट कर देती है। और ये जो इमोशन आए ना, इतने सारे इमोशन, ओवरवेलमिंग इमोशन, और जो फीलिंग हम फील कर रहे हैं, जो बुरी फीलिंग, लो वाई फीलिंग, इन सभी इमोशंस को ना हमारी साइकी कट ऑफ करके इस शैडो स्पेस में डाल देती है। इट्स लाइक कि ये जो हर्ट पेन है इसको हमने कहीं और रख दिया, कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, इसको किसी सेल में, किसी एक डब्बे में बंद करके रख दिया, ताकि हम इस समय जिंदा रहें, इस समय में हम सर्वाइव कर जाएं। तो एक्चुअली हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये चीज हुई कि हमारे जितने भी इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, उन सबको हमसे डिसकनेक्ट कर दिया गया। इट्स लाइक कि हमें एक बार के लिए एनेस्थीसिया दे दिया गया, ताकि हम हमारी लाइफ में चलते रहें, रुके नहीं, चलते रहें, और हमें कोई हार्म भी ना हो। हमारा ये जो ईगो माइंड है ना, इसका एक ही काम है, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो, हमें जिंदा रखना है। तो इसने हमें जिंदा रखने के लिए हमारे शैडो स्पेस में हमारे सारे इमोशंस को, हमने जो ट्रॉमा फील किया था, उन सबको एक बार के लिए हमारे शैडो स्पेस में डाल दिया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरी अबैंडनमेंट स्टोरी, कि मेरे पेरेंट्स मुझे, जब मैं काफी छोटी थी, मुझे छोड़कर साल भर के लिए कहीं चले गए थे मेरे सिबलिंग्स को लेकर। एंड मैं अपने जो दादा दादी के साथ एक साल तक गांव में अकेली रही थी। एंड इट वॉज पेनफुल फॉर मी कि वो एकदम से मुझे छोड़कर चले गए, और मुझे पता भी नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया, वो मुझे छोड़कर चले गए, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि वो कब चले गए। और एक्चुअली मेरे जो सिबलिंग्स थे उनको भी वो लेकर चले गए थे। सबसे बड़ा जो दुख मुझे लगा कि मतलब मेरे साथ कोई भी नहीं है, और आई एम ऑल अलोन विद माई दादाजी एंड दादी जी। उस समय तो मुझे बड़ा मतलब ट्रॉमेटिक फील हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा मुझे लगा। लेकिन आई डोंट नो कैसे वो जो टाइम था वो निकल गया,
ऑलमोस्ट 30-31 ईयर्स की हो गई और मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे साथ बचपन में क्या हुआ, बट जो भी मेरी शैडो बनी थी उस टाइम वो मेरी लाइफ को गाइड कर रही थी, मतलब मेरी लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही थी। और जब मुझे ऐसा पता लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मैं सारी चीज़ें सही कर रही हूँ, बट एट अ टाइम जब सब कुछ सही है तब सारी चीज़ें उल्टी हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती हूँ, मैं रिलेशन चाहती भी हूँ और मैं नहीं भी चाहती हूँ, मैं खुद ही अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को सैबोटाज कर रही हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ एक्चुअली आई हैड दिस वूंड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, और ये जो चाइल्डहुड वूंड है एक्चुअली उसने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया कि आई डू नॉट वॉन्ट टू लुक दोज पेनफुल मेमोरीज। मुझे लगा आई एम स्ट्रांग, मुझे क्या ज़रूरत है, बट अंदर ही अंदर ये मेमोरीज जो थी ना ये मुझे खाए जा रही थी, इमोशन जो है ना मुझे खाए जा रहे थे। एंड ये जो शैडो होती है ना टाइम टू टाइम, आपको पता है ये हमारी फिजिकल रियलिटी में प्रोजेक्ट होते हैं, और मैनी अ टाइम्स ये प्रोजेक्ट हुई और कई बार मैं ट्रिगर हुई एंड फिर से वो प्रोजेक्ट हुई, ये साइकिल चलती रही। देन एक टाइम आया जब मैंने इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया, देन आई रियलाइज कि मेरे साथ है ना बचपन में क्या हुआ था। तो शैडो क्या करती है, आपके उस पेनफुल हर्टफुल सिचुएशन में ना आपको नम कर देती है। इट्स लाइक कि एक स्लो एनेस्थीसिया है जो आपको दिया जा रहा है ताकि आपको वो पेन ना महसूस हो और आप अपनी लाइफ में चलते रहे। ऐसा होता है ना कभी हमारी बॉडी में कहीं एक हो रहा है और हम पेन किलर खा लेते हैं और हम काम करते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है पेन तो गायब हो गया, लेकिन जब उस पेन का जो वो नशा होता है वो उतरता है तब हमें फिर से वापस से पेन फील होने लग जाता है। एग्जैक्टली लाइक दिस कि ये एनेस्थीसिया थोड़ा लंबे समय तक चलता है अनटिल अनलेस हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ती, अनटिल अनलेस हम समझने लायक नहीं हो जाते कि हमें इस चीज़ से कैसे कोप करना चाहिए, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो जाती, एक मेच्योरिटी लेवल नहीं डेवलप हो जाता ना, तब तक ये मेमोरीज ना आपको नहीं दी जाती है। ऑलमोस्ट ऐसा होता है लाइक 17-18-20 ईयर्स तक, देन एक टाइम आता है जब आपकी लाइफ में ना ये शैडो प्ले आउट करने लग जाती है, क्योंकि आप तब उस टाइम बहुत ज़्यादा समय अनकॉन्शियस रहने लग जाते हैं, आपकी बॉडी फुली ऑटो पायलट सिस्टम पर चलने लग जाती है। जैसे आपको पता है हम 95% ऑफ द टाइम अनकॉन्शियस रहते हैं, तो ये शैडो का प्ले आउट करना बहुत ही लाजमी है एंड ये प्ले आउट करती है, एंड कभी कभी ये चीज़ें हमारी लाइफ में नेगेटिवली हमें दिखती है, हमारी लाइफ में हम नेगेटिव हो जाते हैं एंड कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी लाइफ में तो बहुत गड़बड़ चल रही है। बट जब हम कंपैरिजन करते हैं तब तो हमें पता चलता है कि यार हम तो सब कुछ एक गुड गर्ल जैसे, एक अच्छे इंसान जैसे कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में ये सब कुछ बुरा क्यों चल रहा है, बिकॉज हमारी शैडो जो है यहाँ पर अब चाहती है कि आप इसकी सुने और अब चाहती है कि आप उसको इंटीग्रेट करें, अब चाहती है आप इसको वापस से फील करें, आपके साथ जो कुछ हुआ था उसको वापस से आप महसूस करें और उन इमोशंस को वापस से अपने अंदर इंटीग्रेट करें। बस एक यही शैडो है, इसने ना न जाने कितने ही लोगों के चाइल्डहुड में ना उनको एनी हाउ बचाए रखा, जब तक कि वो मेच्योर नहीं हो गए उनको जिंदा रखा। ऐसा तब भी होता है जब कि हम कांस्टेंट एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि पेनफुल है। कई बार बच्चे जो होते हैं बहुत ही अब्यूजिव एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, कांस्टेंटली वो अब्यूज सहन करते हैं, उस टाइम भी ये एनेस्थीसिया, ये शैडो का जो एनेस्थीसिया है ये डिसकनेक्ट उन्हें हेल्प करता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, थोड़ा चलते रहें और सर्वाइव करते रहें एक्चुअली। लेकिन बात आती है जब ये जो शैडो है हम इसको बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। एक्चुअली ये जो शैडो होती है ना एक टेम्प्रेरी स्टेट होती है, ये जो एनेस्थीसिया होता है ना ये टेम्प्रेरीली हमें दिया गया होता है ताकि हम उस समय जिंदा रहें, लेकिन प्रॉब्लम आती है इस टेम्प्रेरी चीज को ना हम परमानेंट मान लेते हैं और अपने इमोशन को जब हमें फील करना चाहिए, जब हम बड़े हो गए हमें फील करना चाहिए तभी हम हमारे इमोशंस को फील नहीं कर रहे हैं, हम उसको दबाए जा रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में
और हमें अच्छा फील करना चाहिए, मेरी लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई इमोशन आ रहा है, हम उसको फील नहीं कर रहे हैं, अगर हमें कुछ बुरा लग रहा है तो हम रिएक्शन दे रहे हैं और उस चीज से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, अपनी सारी फीलिंग्स को वापस से फील करना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए ये कहाँ से आया है एंड हाउ दिस थिंग इज हेल्पिंग मी, वो मुझे किस तरीके से हेल्प कर रहा है। शैडो एक्चुअली हमें हमारी लाइफ में कोप करने में हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है अभी हम अगर अनकॉन्शियस हैं, अगर हम सवाल नहीं करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही शैडो जो है ट्रिगर होकर आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री जहां पर आप जाना चाहते हैं उसको चेंज कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कई बार डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि आप चाहते तो ये करना है लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है, आप अपनी ही चीजों को अपने ही डिसीजंस को ना साबोटाज करते हुए जा रहे हैं। तो आपको हर स्टेप पर खुद से क्वेश्चन करना है एंड ये जो मैंने आपको बताया इतना सब कुछ है, ये बताने के लिए बताया है एक्चुअली कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, भले आपको वो कितना ही ज्यादा अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में नेगेटिव लग रहा है, प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा है जो कि आपके बेनिफिट के लिए कर रहा है। तो हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, इवन हमारी शैडो, जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, हमारे असेंशन के लिए हो रहा है, ताकि हम खुद से सवाल करें, ताकि हमें अपने अंदर से जो जवाब मिले उसकी हेल्प से हम खुद को असेंड करें। तो इस धरती पे, इस अर्थ स्कूल पर हम जो करने आए हैं वो है अपना असेंशन बाई लर्निंग लेसन्स थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। आई होप आपको आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।